इनके लब रंगी मिठावर के जिसने। अच्छा, एक खाना बनाने का चैनल है, पूछने चाहती हैं कि जो खाना बनाने के चैनल में हम लोग खाना बताती हैं, बनाना जो डिशेज बताती हैं, तो क्या ये पैसों का जो है ना वो इसराफ है कि हम बहुत सारे खाने एक वक्त में बना के दिखा देते हैं, तो इन खानों के लिए क्या हिसाब? तो जाहिर है कि जायज़ चीज़ का हिसाब ही होता है, तो हिसाब तो होगा। इसमें नियत आपकी क्या है? क्या चैनल पर आप अच्छी अच्छी डिशे बना कर बताती हैं लोगों को, और उसमें खाने के लिए क्या है ना वो खाना ख़राब नहीं होता असल में, बनाने के बाद आप लोग खुद ही उनको खा जाते हो। पहली तो यही गलत बात है आपकी, बनाया भी खुद, खा भी खुद, ले भी, कैमरे पूछते भी हो कि उसका टेस्ट कैसा है, बहुत अच्छा बनाया, बहुत ऐसा बना, हमें क्या पता कैसा बनाए, खुद ही बिरयानी बनाई, खुद ही खा ली, और खुद ही बहुत जायकेदार है। हम चखें तो बताएं कि हम जायकेदार है या नहीं है या कैसी है, और कड़वी भी बन गई होगी तो आप तो कैमरे पर लोग बोल ही देते हो ये किचन वाले कि बहुत अच्छी बिरयानी है, बहुत इसका अच्छा टेस्ट आ रहा है, हमें पता ही नहीं चल रहा होता। तो ये कि अगर खाना बनाया और वो खाना बनाने के बाद जो है ना घर वालों को खिला दिया, तो उसमें जो है ना गुनाह तो नहीं है, घर वाले खा सकते हैं, घर वालों को खिलाएंगे, और इसराफ भी सूरत में नहीं कह सकते। लेकिन इसमें बात ये हो सकती है कि खाना खाने वाले के लिए, यानी कि जिसको ये एतबार हो कि ज़्यादा खाना खाने से उसका पेट ख़राब हो जाएगा, तो उतना खाना खाने किसी शख्स के लिए भी खाना ये जायज़ नहीं, फिर वो खाना हराम है कि जिससे बंदे के पेट ख़राब होने का अंदेशा हो। अब ये कि आपने बना ली बहुत सारी डिशों, सबको पता है कि घर में दो चार मेंबर है, बार 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 खाएंगे तो उन पेट ख़राब होगा, तो ये खाना उनके लिए जायज़ नहीं है। हाँ, ऐसा करें कि अगर बना दे, बनाने के बाद आस पड़ोस में कहीं भिजवा दे कि दूसरे लोग भी खा लें, मतलब आस पड़ोस, आपके आस पड़ोस की बात कर रहा हूँ, मैं ये नहीं कह रहा कि मेरे पास भेज दो, लेकिन ये कि आस पड़ोस में भिजवा देंगे खा लें, या जो खाना बनाया है उन पर किसी बुज़ुर्ग की फातह करके इसाले सवाब करा के न्याज करा दें, बच्चों में तकसीम करा दें, तो भी अच्छा रहेगा कि चलो जैसा खाना है वो बच्चों को भी थोड़ा सा मिल जाएगा, पड़ोसियों को भी मिल जाएगा। तो इसमें यही नियत करनी चाहिए, यानी मैं खाना बनाने के एतबार से नियत बता रहा हूँ, चैनल खोलने के एतबार से नहीं बता रहा हूँ कि इसका, ये तो सवाल फिर दूसरा बनेगा कि चैनल खोलना चाहिए था या नहीं चाहिए था। फ़िलहाल अगर कोई, क्योंकि मेल लोग भी, जेंट्स लोग भी जो होते हैं ना शेफ, वो लोग भी जो है ना कुकिंग वगैरह बताते हैं, खाने बनाने की रेसिपी तरकीबें जो है ना बताते हैं, तो ये मसला उनके लिए भी कॉमन हो जाएगा, क्योंकि खातून के लिए बनाना बेज़रूरत कैमरे पर आना, अगरचे आवाज़ हो या दूसरी चीज़ हो, तो उनकी अपनी अपनी फिर ज़रूरत और मामला हो सकता है, उसके लिए अभी मैं बात नहीं कर रहा कि करना चाहिए नहीं करना चाहिए, फ़िलहाल ये कि खाना बनाने के बारे में बात हो रही है। तो बना के हाँ बच्चों को खिला दे, घर वालों को खिला दे, उसको वेस्ट ना करें। हाँ, अगर खाना बनाने में ये फूड चैनल वाले ऐसा करते हैं कि बनाया और बनाने के बाद किसी ने नहीं खाया, आधा खाया, डस्टबिन में चला गया, तो ये रिस्क की जो है ना वो बर्बादी, बेहुरमती है, तो ये नाजायज़ और गुनाह का काम है कि उनको पता है ये बनाया तो जाएगा लेकिन खाया नहीं जाएगा, तो फिर इतने खाने बनाना जायज़ नहीं है, चाहे वो चैनल पे दिखाने के एतबार से हो। और अगर वो रिस्क बर्बाद ना होता हो, वाकई में कोई खा ले, गरीब को दे दो, तो फिर उस पर पैसा खर्च करना, और उसमें नियत भी फिर ये होनी चाहिए कि हम जो खाना बनाना सिखाती हैं या बता रहे हैं, तो अगर ये खाना बनाने के बाद जो है ना हम गरीब को दे देंगे, किसी को दे देंगे, आस पड़ोस को दे देंगे, घर वाले खा लेंगे, या रख लेंगे बाद में खा लेंगे, अगर ऐसा कोई खाना है कि जिसको रख के खाया जा सकता है तो खा लेंगे, तो फिर इस हिसाब से बनाना चाहिए। लेकिन ये कि खाना कोई अब ऐसी चीज़ है नहीं कि अब घर के बड़े बूढ़े नहीं है कि वो औरतों को, खातून को रोटी हंडिया भी नहीं सिखा सकते, लोग जो है ना इसके ऑनलाइन के इतने मोहताज हो गए हैं कि बंदा, मतलब अब ये चीज़ें भी लोग कैमरे के ऊपर ही आके सीखेंगे। हालांकि घर के जो बड़े बूढ़े सिखाते हैं वो भी ठीक रहता, उसी तरीके से सीखना चाहिए, लेकिन अब क्या है ना लोगों की सहूलियत कहें या अपनी अपनी सोच कहें, क्योंकि ऐसा लगता है कि घर में सीखने में कम टाइम में बंदा सीख जाए, लेकिन चैनल के ऊपर एक एक रेसिपी को देखने के लिए एक एक घंटे के, आधा आधा घंटे की वीडियो, और उसके अंदर चार अलग अलग चीज़ें, क्रॉस क्वेश्चन नहीं हो सकता। सबसे बड़ी बात घर में किचन में हाथों हाथ आप अम्मा से पूछेंगे तो अम्मा बता देंगी, नानी अम्मा बता देंगी कि इसमें क्या क्या डलता है, कैसे कैसे है, क्या चीज़ कम बढ़ती करने से हो जाएगा, तो लाइफ प्रैक्टिकल होगा, आप सवाल भी कर सकते हैं। तो बेहतर ये है कि घर वाले सीखें या घर के कामकाज भी इस पर आके सीखेंगे, तो मामला जो है ना वो इंटरनेट का, मोबाइल का फिर बहुत ज़्यादा आदि जो है ना बंदा हो जाएगा। बहरहाल ये कि खाना बनाएं, बच्चों को खिलाएं, पड़ोसियों को खिला दें, लेकिन खुद ना बोलें कि भाई बहुत टेस्टी है, किसी और को खिलाएं बोलें तो बहुत टेस्टी है। ठीक है, पत्थर में असल।
पुरनवा।